यहाँ पूजा के लिए मीठी आंसे बन रही हैं। सकट है, आज संडे का दिन है और ये सकट के लिए पूजा की तैयारी हो रही है। तो चीनी ली है करीब 200 ग्राम से थोड़ी सी कम चीनी है ये, और इलायची डाल रहे हैं 3-4 हम, ये पीस लेंगे। चीनी घोल के भी बन जाती है मीठी आंसे। और यहाँ 250 ग्राम आटा लिया है, चीनी मेरी पिस गई, देखिए इलायची साथ में पिस गई है। तो इनको मिला लेंगे अच्छे से, 100 ग्राम करीब ऑयल डालेंगे इसमें, तो चमचे से डाल रहे हैं, 100 ग्राम होगा ये आराम से। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के गूंद लेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट लगाएंगे इसका डो अच्छे से मसल मसल के, और इसको रख देंगे उठा के, चिपक जाए छुटा लीजिए, हाथ ग्रीस कर लीजिए, आराम से गूंद जाता है। और यहाँ तिल भून रहे हैं, तो तिल और आटे का और गुड़ मिला के मेरे यहाँ बकरा बनता है, वो काटा जाता है, मेरे यहाँ ऐसी पूजा होती है, लड़के लोग काटते हैं उसको। तो आटा भी भून लिया, तिल भून लिए हमने, और गुड़ बाद में मिलाएंगे ठंडा होने के बाद, मम्मी बनाती है मेरे यहाँ बकरा, हम नहीं बनाते हैं। तो ऑयल लिया है, और ये देखिए आटा जो गूंदा था मीठे आंसे के लिए, वो ये हमारे यहाँ पूजा में लगती है, मीठी आंसे बोलते हैं इनको। तो गोल गोल लोई हमने छोटी छोटी सी काट ली, बहुत छोटी छोटी हैं ये, बड़ी भी रख सकते हैं साज अपने हिसाब से, जैसे भी हम लोग इसी तरह बनाते हैं। हाथ से गोल गोल किया, हल्का सा लंबा किया, अंगूठे से प्रेस कर दिया, हाथ ग्रीस करने पड़ेंगे आपको वरना ये चिपकता है हल्का फुल्का। तो इस तरह बनती है मीठी आंसे, देखिए गोल गोल किया है, लंबा हल्का सा किया और बस दबा दिया, अंगूठे से प्रेस करना पड़ेगा, इसमें हल्का सा एक वो थोड़ी सी जगह हो जाएगी, इसको मीठी आंसे बोलते हैं। तो ये बन गई हैं। ऑयल लिया है, यहाँ पे ऑयल हल्का सा गर्म हो गया है, ये जो है फ्लेम जो है सिम पे रखनी है, एकदम धीमी रखनी है, तेज़ फ्लेम पे नहीं सेकना होता है, और तुरंत टच भी नहीं करना होता, 5 मिनट बाद हमने टच किया था इसको, और बस हल्का हल्का घुमा घुमा के सेक लिया है। फ्लेम अभी भी धीमी है, जैसे समोसे वगैरह सेकते हैं इनको वैसे ही सेकना होता है मट्ठी के तरीके से, वरना ये फूलती नहीं है और क्रंची भी नहीं होती हैं। और पूड़ियाँ लगती हैं, तो हमने छोटी छोटी पूड़ियाँ भी बना ली, पूजा का सारा सामान बन रहा है, ये बन गया है, लग गया है। और यहाँ पे देखिए दिखा रहे हैं आप लोगों को, तैयारियाँ मेरी हो गई पूजा की, करीब 5:30 बज रहा है, शाम में हम लोग 6 बजे तक पूजा करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू आवर चैनल, कैसे हैं आप लोग? और शाम का 6 बज रहा है, मम्मी भी आ गई हैं, मम्मी बकरा बना रही हैं, ये देखिए सकट है, तो ये बकरा काटा जाता है, लड़का काटता है ना, तो ये वासु काटेंगे। और भुना हुआ आटा है और भुना हुआ तिल है और गुड़ मिलेगा इसमें अभी, तो और सारी तैयारी हो गई है, ये देखिए ये सामान लगा है यहाँ पे, तो बस पूजा होने जा रही है। और मेरे खाली पेट अजीब सा लगता है हमको, गैस सी बनती है मेरे पेट में, तो कहानियाँ होंगी, दो कहानियाँ करेंगी ना मम्मी, दो कथा सुनाएंगे अभी, नौमी वासु बैठेंगे यहाँ पे, पापा भी आते हैं, पापा नहीं है इस समय, मार्केट गए हुए हैं, तो वो भी आते हैं, वो भी बैठते हैं, जो आ जाएगा आराम से, टाइम जिसको मिल जाएगा वो बैठ जाएगा पूजा में। और दो कहानियां करेंगी मम्मी, आरती वगैरह होगी। हाँ सकट बाबा की, हाँ बंद कर दो। तो भैया रणवीर भी आ गए कुछ बोलते हो नहीं, और इधर आओ इधर आओ, एक चीज दिखाएं आप लोगों को, ये अभी थोड़ी देर पहले आए थे हमसे पूछने कि मामी वीडियो शूट होने जा रहा है, तो हमने कहा नहीं, फिर आए इन्होंने देखा हमने साड़ी पहन ली है पूजा के लिए, समझ गए वीडियो शूट हो रहा, और इनका मेकअप देखिए, ये अपने से मेकअप करके आए, ये देख ऊपर देखो रणवीर, तुम्हें समझ में आएगा, ये देखिए पूरी क्रीम लगी है इनके, और ये दिन में कई चक्कर लगाते हैं, वैसे ये फ्री रहते हैं तो ये पतंग उड़ाते हैं, फ्री नहीं रहते हैं ये पतंग बहुत उड़ाते हैं, हम इनको बहुत डांटते हैं, इनकी मम्मी भी डांटती हैं, तो इनकी मम्मी का ही कहना है कि भाभी अपने यहाँ ये आया करे तो रख लिया करो, पतंग से बचा रहता है, पड़ता तो नहीं है उतना, पतंग से बचा रहता है, तो हम इसको यहीं बना रहने देते हैं, इसको शौक भी है यहाँ वीडियो में आने का, पतंग से तो बहुत अच्छा है कि मेरे पास ये रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से बना रहता है, इस वजह से इसको यहीं रख लेते हैं। और देखिए पंखा, ये नौमी हिला रही है, बस पूजा करेंगे। तो यहाँ पे पूजा शुरू हो गई है, मगर पूजा हमने नहीं की, जैसे ही सारा इंतजाम लगा और पूजा शुरू हुई, वैसे भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अचानक से हमको वॉमिटिंग होने लगी, चक्कर आए बहुत तेज़, तो नौमी ने पूजा की है, मम्मी वगैरह कर रही हैं, हम तो वॉइस ओवर कर रहे हैं मंडे को, मन नहीं था मगर हमको वीडियो डालना था तो हमने वॉइस ओवर कर दिया, और देखिए हम वीडियो डाल पाते हैं कि नहीं डाल पाते दो दिन तक, क्योंकि हमको अजीब सा लग रहा है अभी भी, तो बस देखिए। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, बच्ची ने किया अपने हिसाब से जो भी किया तो है। कहने लगी माँ कि बेटा से आज पूजा है बाबा की, बारह बजने वाला है, रात का 12 बज रहा है और अभी उठाया इन्होंने हमें, वही पूजा तो होगी खराब आ जाए। हाँ आज
जब वीडियो शूट कर रहे थे आपके सामने पहले, हम स्टार्ट ही की थी, पूजा स्टार्ट करने वाले थे, स्टार्ट नहीं हुई थी, सामान लगा दिया था सारा, और वहाँ से हमको चक्कर शुरू हुए बहुत तेज, बस आपसे दवा लेके आपसे बात करते करते ही मेरे चक्कर और मेरे गैस बनती है, पहले से ही हमको प्रॉब्लम है, खाली पेट मेरे जो है गैस बनने लगती है, और कभी एक दो बार हुआ है कि वॉमिटिंग हुई है हमको, मगर आज ऐसा लग रहा था कि हाँ हल्का फुल्का लग रहा था, फील तो हो रहा था, मगर पता नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, वरना हम 5 बजे 4 बजे कर लेते पूजा, लगा कि ठीक है 6 बजे के आसपास हम लोग करते हैं तो उसी टाइम पे करेंगे हमेशा से, और उल्टियाँ जो स्टार्ट हुई हैं एक के बाद एक वॉमिटिंग हमको होती रही, 8-10 बार हुई हैं हमको, वो तो अच्छा इनको आराम मिली थोड़ी, वो तो अच्छा था, हाँ अब तो बहुत आराम है, अभी हमने खाया, इन्होंने उठाया फिर हम दवा खाई, फिर मेरी वॉमिटिंग हो गई और चक्कर आने लगे, ये तो अच्छा है कि हम जा पा रहे थे उठ उठ के, तो बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हुई, तो उठ उठ के हम जा रहे थे बाथरूम तक बराबर, ऊपर ही लेट गए, फिर उसके बाद इन्होंने हमें नीचे यहाँ पे लेटाया, मेरा पूरा ब्लॉग चौपट हो गया मेरी उल्टियों के चक्कर में, क्या सोचा था आज कुछ दिनों से कुछ ऐसे ब्लॉग जा भी नहीं पा रहे थे, आज हमने सोच के रखा था बहुत अच्छा सा शूट करेंगे, पूरा ब्लॉग दिखाएंगे आप लोगों को, शाम का खाना रात में जो बनाएंगे वो सब भी दिखाएंगे, कुछ नहीं बना, जो मेरे यहाँ दोपहर में बना था वही बना रखा रहा, नौमी ने मेरे किया, बैठी है वो अभी भी जग रही है, वो उसको ये था कि पापा मम्मी को कुछ खिला दे, तो अभी हमने खाया है, चाय पी है और हल्का फुल्का जो खाना था दवा और खा लो जो बची है खुराक, अभी दवा खानी है, पूरा 12 बज रहा है, और इसने पूजा की है आज, मम्मी ने इससे करवाई पूजा, हमने देखा अभी जैसे जो वो चौकी लगा पाई जो भी किया, मेरा ये लग रहा था कि हम जितना भी अपने आप को घसीट ले जाएं बस पूजा निपटा लें, ब्लॉग शूट नहीं करना था, हमने वीडियो बंद कर दिया था, मोबाइल बीच में बंद कर दिया था कि हमने कहा शूट नहीं करेंगे, हमें बस पूजा अपनी करनी है, मेरा त्यौहार हो जाए सकट चौथ का, कहीं कहीं सकट चौथ बोलते हैं, कहीं कहीं कुछ बोलते हैं, मेरे यहाँ सकट ही हम लोग बोलते हैं, तो संकट सकट सकट पूजा बोलते हैं, तो हमने तो कुछ नहीं किया, मेरी आवाज़ कानों में हलगल की आवाज़ जा रही थी कि हाँ मम्मी कहानियाँ कह रही थी, कथा जो सुनाई जाती है, तो आज के ब्लॉग का मेरा स्पेशली बहुत अच्छा सा मन था कि बहुत अच्छा, जैसे हमारे यहाँ अगली बार करना पड़ेगा, वो तो अगली बार करेंगे, एक साल बाद पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ कह नहीं सकते हैं, और मेरा ये ब्लॉग भी खराब हो गया, कोई बात नहीं, आज दिन में हमने इसीलिए नॉर्मल सा ब्लॉग डाल दिया कि आज पूरे दिन का हम दिखाएंगे, रात तक का शूट करेंगे, अच्छा सा जो भी करेंगे अच्छा सा दिखाएंगे आप लोगों को, हालांकि टाइम लगता है, अगर आप नॉर्मल काम करेंगे बिना कैमरे के साथ तो आपका वो काम आधे घंटे में होगा, और जब आप कैमरे के साथ करेंगे तो वो उसमें 1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको बार बार कैमरा सेट करना होता है, एंगल देखना पड़ता है, अपने आप को देखना पड़ता है, तब चीज़ें सूट होती है, टाइम बहुत ले लेता है, ये है कि आप ब्लॉग बनाते किसी चीज़ का तो टाइम लग जाता है, बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत दिक्कत होती है, टाइम लग जाता है, मेहनत लग जाती है, तो नहीं हो पाया मेरा, मेरा मन ख़राब हो गया बहुत मेरी तबीयत की वजह से, और इन्होंने अभी हमें उठाया है, खिलाया पिलाया, दवा ला के दी, फिर से दवा ला के दी, तो ठीक है एंड करेंगे ब्लॉग का, इसमें आप कुछ नहीं जोड़ेंगे, बिल्कुल सोचे थे अभी जब उठे थे तो लग रहा था कि दिन का जोड़ देंगे कल का, मगर नहीं जोड़ेंगे, वीडियो का यहीं पे करेंगे एंड, मेरी नौमी ने सारी पूजा की है जैसी भी जो भी की है, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई है, हालांकि 12 बज चुका है अब हम दे रहे हैं, मगर हमने उस समय नहीं बोला, सोचा था पूरा दिखाएंगे व्लॉग तो आपसे काफ़ी बातचीत होती रहेगी बीच बीच में, तो आपको सकर चौथ की बधाइयाँ शुभकामनाएं, तो रखते हैं आपसे गुड नाइट, बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, हम तो इधर मेरे साथ थोड़ा बहुत चल रहा है गुड नाइट बोल रहे हैं, इधर चल रहा है कि हम बीमार हो रहे हैं, शायद बहुत मेरे ऊपर मेहनत पड़ रही है, इसका एक रीजन हमें लग रहा है कि हम हेडेक ज़्यादा ले रहे हैं और मेहनत पड़ रही है बहुत ज़्यादा चैनल की वजह से पड़ रही, तो सोच रहे हैं कि शायद हमें लग रहा है ऐसा कि हमें अपने आप को रेस्ट देना चाहिए, वीडियो हम शायद छोड़ छोड़ के डालें आने वाले दिनों में शायद, क्योंकि मेरा दिल नहीं कह रहा है कि हम ये करें, हमने सोचा था डेली ब्लॉग का चैनल बनाएंगे, डेली ब्लॉग ही डालेंगे, मगर हेल्थ मस्ट है, ये भी सही है, अगर हेल्थ ही ख़राब हो जाएगी तो आगे हम कैसे मैनेज करेंगे हर चीज़ को, तो हो सकता है कि छोड़ छोड़ के डालने लगे आने वाले दिनों में, अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, उसके बाद ही करेंगे, तो रखते हैं, बाय बाय, नमस्कार, नमस्ते, ये तो बोलते हैं कि छोड़ के डालो, तुम परेशान मत हुआ करो, मगर मेरा चैनल जल्दी ग्रो करे इस वजह से हम रोज़ डालते हैं।